बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे 2023 में जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सगाई के मुहूर्त की, यानी सगाई के लिए कोई भी मुहूर्त आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं आपको व्यक्तिगत दो पंचांग, जिसमें पहला भी और दूसरा भी, यानी नए और पुराने, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक पुराने पंचांग होगा और मार्च से फिर आगे का जो है दिसंबर तक दूसरे पंचांग के अंदर होगा। तो मैं दोनों पंचांग मेरे समक्ष हैं और मैं इसके हिसाब से आपको यहां पर मुहूर्त बताऊंगा। लेकिन ये डेट मैं आपको जो दे रहा हूं उसके अतिरिक्त आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि सगाई कोई सामान्य नहीं है, वह सगाई शादी का पहला पार्ट है, इसलिए उसके लिए मुहूर्त उत्तम शोधित होना परम आवश्यक है। जो तिथि हम दे रहे हैं उसमें आपको दोनों के हिसाब से, दोनों के चंद्र राशि के हिसाब से, दोनों का उस दिन का चार्ट बनाएं और उनके राशि से चंद्रमा आठवें, चौथे और बारहवें नहीं होना चाहिए। मान लो कि एक की मेष राशि है और दूसरे की कर्क राशि और चंद्रमा उस दिन वृश्चिक राशि पर है, तो क्या मुहूर्त बनेगा? क्योंकि जिसकी मेष राशि है उसके लिए अष्टम चंद्रमा हो जाएंगे और जिसकी कर्क राशि है उसके लिए भी चौथे चंद्रमा हो जाएंगे, तो दोनों के हिसाब से मुहूर्त नहीं बनता है। मान लो एक का मेष राशि है, वृश्चिक पर चंद्रमा गोचर में रहेंगे और दूसरे की वृषभ राशि है, तो एक के लिए बन रहा है, एक के लिए नहीं बन रहा है। तो इस हिसाब से मैं दोनों के हिसाब से मुहूर्त निकालना है। सगाई का मुहूर्त कभी भी एक के हिसाब से नहीं निकालता है। अब कई बार हमने देखा कि आज ही 10 तारीख को जनवरी में करना है सगाई का मुहूर्त है, आज ही है तो क्या अमल्य है? तो दोनों की राशि के हिसाब से मुहूर्त, इस चीज को सदैव ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा डेट वाइज, यहां पर जो है जनवरी से लेकर, देखिए जनवरी में यहां पर जो पंचांग ने परिशोधित मुहूर्त दिया है वो पहले 18 जनवरी को है, यानी 18 जनवरी को पहला मुहूर्त। दूसरी जो तिथि है यहां पर 18 के बाद 23 जनवरी और उसके बाद है 25 जनवरी, उसके बाद 26 जनवरी। देखिए यहां पर सगाई के लिए जो मुहूर्त है उसमें माघ के महीने में ही मुहूर्त है, ठीक है ना? 18 को यहां पर एकादशी रहेगी बुधवार, 23 को यहां पर द्वितीय शुक्ल पक्ष सोमवार, 25 को माघ बुधवार, माघ का महीना रहेगा शुक्ल पक्ष, और उसके बाद 26 जनवरी को माघ शुक्ल पंचमी गुरुवार, ये बहुत अच्छा यहां पर दिन है, और उसके बाद 27 को माघ शुक्ल षष्ठी और गुरुवार 27 जनवरी, यह भी अच्छा मुहूर्त है, और उसके बाद फिर 30 जनवरी को माघ शुक्ल नवमी सोमवार, ठीक है? तो ये जनवरी के अंदर सगाई के लिए शुभ मुहूर्तों का है जो पंचांग ने शोधित मुहूर्त है। फिर हम फरवरी माह में अगर बात करें, फरवरी के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें 1 फरवरी माघ शुक्ल एकादशी बुधवार, 6 फरवरी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा और सोमवार, उसके बाद 8 फरवरी फाल्गुन कृष्ण तृतीया और बुधवार, 8 फरवरी, उसके बाद 10 फरवरी हस्त नक्षत्र है, बहुत अच्छा है, फाल्गुन शुक्ल और चतुर्थी शुक्रवार। तो यहां पर फरवरी के तक जो है 10 फरवरी, फिर 16 फरवरी फाल्गुन कृष्ण बृहस्पति एकादशी, 17 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण द्वादशी गुरुवार, उसके बाद 22 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल तृतीया बुधवार, फिर 24 फरवरी को फाल्गुन पंचमी शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र, फिर 26 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और रविवार, संडे का दिन है, ये आपको छुट्टी के हिसाब से भी सबको अच्छा पड़ता है। उसके बाद मार्च की बात कर लेते हैं, मार्च में 9 मार्च को यहां पर पहला मुहूर्त दिया है चैत्र कृष्ण बृहस्पतिवार, 10 मार्च चैत्र कृष्ण तृतीया शुक्रवार और चैत्र कृष्ण पंचमी रविवार 12 मार्च। तो मार्च में 9 मार्च, 10 मार्च और 12 मार्च जो पुराने पंचांग में, अब नए में देख लेते हैं कौन कौन से मुहूर्त यहां पर हैं। ये तो मार्च में, हाँ मार्च में यहीं तक मुहूर्त है, और अप्रैल में जो है फिर इसके बाद कोई मुहूर्त अप्रैल में नहीं दिया है सगाई के लिए,
ठीक है। अब मई की बात कर लेते हैं, तो मई में 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी बुधवार, फिर उसके बाद 7 मई को ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया रविवार, उसके बाद 10 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी और बुधवार, उसके बाद 12 मई को ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी शुक्रवार श्रवण नक्षत्र, उसके बाद 21 मई को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया रविवार, फिर 22 मई को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया चंद्रवार, फिर 29 मई को ज्येष्ठ शुक्ल नवमी और सोमवार उत्तरा फाल्गुनी में, 29 के बाद 31 मई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और बुधवार। तो मई तक ये था। उसके बाद जून में जो है 1 जून को पहला मुहूर्त सगाई का बन रहा है, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी गुरुवार, दूसरा 5 जून को आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा और सोमवार, फिर 5 जून को आषाढ़ कृष्ण पंचमी गुरुवार, उसके बाद 12 जून आषाढ़ कृष्ण नवमी सोमवार, उसके बाद 23 जून आषाढ़ शुक्ल पंचमी और शुक्रवार। तो जून यहां पर जो है 23 जून तक है, नहीं सॉरी 25 जून का भी है, आषाढ़ शुक्ल रविवार 25 जून, फिर 28 जून में भी है आषाढ़ शुक्ल दशमी बुधवार, 29 जून को है आषाढ़ शुक्ल एकादशी गुरुवार, और फिर 30 जून को आषाढ़ शुक्ल द्वादशी और शुक्रवार। जून में भरपूर पर्याप्त मुहूर्त है। जुलाई में 5 जुलाई को पहला मुहूर्त है, श्रावण कृष्ण श्रावण शुद्ध है और पंचमी, उसके बाद जो है सॉरी द्वितीया 5 तारीख को, फिर 9 जुलाई को, फिर उसके बाद 13 जुलाई श्रावण शुक्ल में ही है, कृष्ण पक्ष में ही है शुद्ध में, फिर उसके बाद 14 द्वादशी तिथि रहेगी शुक्रवार श्रावण शुद्ध में ही है भी, और उसके बाद 21 श्रावण शुक्ल वाला आ जाएगा शुद्ध वाला, उसके बाद 27 को भी अच्छा है, 27 अगस्त को शुद्ध श्रावण में ही है भी एकादशी रविवार, और फिर जो है 28 अगस्त को श्रावण शुद्ध में शुक्ल पक्ष में और द्वादशी सोमवार में, ठीक है। सितंबर माह में 1 सितंबर, फिर 4 सितंबर, उसके बाद 6 सितंबर, 18 सितंबर, 24, 25, 25 सितंबर तक रहेगा। अक्टूबर माह में जो है 16 अक्टूबर, आश्विन का महीना शुरू हो चुका होगा, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर तक। नवंबर की अगर बात करें तो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका होगा, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 29 नवंबर तक मार्गशीर्ष के महीने तक जो है ये मोड़ चलेंगे। अब उसके बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, 4 दिसंबर को पहला मोड़ दिसंबर का रहेगा, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी गुरुवार का रहेगा, फिर 8 दिसंबर को है मार्गशीर्ष का महीना ही है, और फिर 14 दिसंबर को है जो कि दिसंबर के महीने का अंतिम मुहूर्त होगा, गुरुवार शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष और द्वितीया तिथि।